हमारो हमेशा काम पर फोकस रहते तो है हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती दिखावा मतलब आप लुटको बर्बाद हो गयो मतलब तेरी बीबी हमेशा के लाने माई के चली गई का एक्सक्यूज मी सर सर अगर इसकी बीबी माई के चली गई होती तो ये इतना परेशान नहीं होता जरूर इसकी बीवी भाग गई होगी मिस्टर पहले तो अपना नाम बता अरे दिक्कत क्या है मैडम पूरी बात बताता हूं uh, मेरा नाम है प्राण गुप्ता मेरी बीवी अंजू ने मेरे पड़ोसी पप्पू नाथ को चूम लिया पप्पू तो लकी है, है। यह तो बहुत बुरी बात है आप को चक्कर लग रहा हो हमें तुम तो ये काम करो तुम अपनी बीबी को दे दो तलाक केस खत्म नहीं नहीं पूरी बात तो सुनिए दरअसल सुबह ऑफिस जाते वक्त अंजू मुझे बाय-बाय और किस करने के लिए आई जैसे सारी पत्नी अपने पति को करने के लिए आती उसी वक्त पप्पूनाथ भी बाहर आ गया ओके okay. अंजू पप्पूनाथ की तरफ दौड़ी और और मेरी जगह उसे और और कितना आगे जाएगा बताया तो दिया उसकी बीवी ने किसी और को चुम लिया आते ही बताया था उसने ना ना हम तो केस तनक गहराई से समझ रहे थे हम कहने को जो मतलब है कि पप्पू में आगे कौन से चुंबक लग हुए वही तो मेरी जगह उसे चुम लिया तो आके बंद कर लेते तो इतना दुख नहीं होता हाँ आ... हाँ। तू तो टेंशन नहीं ली हम समझ गए केस एक काम करते हैं हम तेरी बीबी को और पप्पू को साथ में लाती हैं अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अंजू को आप कुछ मत करिएगा तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन पप्पू को ना आप लोग अपनी भाषा में जरूर समझाइएगा दरोगा एक काम कर रही हो केस न मत न दे रही अच्छे से छानबीन करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए नहीं तो पता है ना क्या होगा मैडम मुझे अच्छे से याद है मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ पजामा में रहू करी ऐसी की हमारे लाने चुटकी बजाते सॉल्व होती है सोते सोते हल कर दें हल्के में ले रो का हमें तू जा घरे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा हम अबे पप्पू को तो बोझ के लाएंगे और बिल्कुल शुद्ध कर देंगे जीवन में फिर कष्ट ही कष्ट दूर है समझ गो ना बीबी पे फोकस कर घरे जा तू बीबी पे फोकस कर हम पप्पू पे फोकस करेंगे केस पे फोकस केस खत्म समझ गो ना समझ तो निश्चिंत तो हो जाना बाद में तेरू मन करे तो फिर मिठाई को डब डबा ले आइए वो तक का देख रुझा फटाफट नेक्स्ट फटा। <clears throat> जाओ मारो डाउनलोड कीजिए जी फाइव ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज़ कभी भी कहीं भी फ्री में